लास्ट ईयर इन 2023 75% ऑफ माई क्लाइंट्स गॉट जॉब इन दुबई। 75% जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, जिन्होंने मेरी कोचिंग के सेशन लिए, जिन्होंने मुझसे अपनी सीवी लिखवाई, कवर लेटर लिखवाया, लिंक्डइन का प्रोफाइल सिंक्रोनाइज करवाया, कस्टमाइज और ऑप्टिमाइज किया, उनमें से 75% लोगों को जॉब मिली दुबई में। कैसे मिली? मैंने पूरा सर्वे किया, पूरे साल का मैंने डाटा उठाया और उसको मैंने रिसर्च किया, मैंने अपने क्लाइंट से डिस्कस किया और फिर मुझे आइडिया मिला कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि 2024 में जॉब लेना चाहते हैं दुबई में। नया साल शुरू हुआ है, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है, हमारे पास रेफरेंसेस नहीं है, इसलिए हमें जॉब नहीं मिलती। टू सर्टेन एक्सटेंट दैट इज़ राइट, सो वर्क ऑन दैट ना, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। बट anyway, तो मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी कि किस बेसिस पे मेरे जो क्लाइंट्स उनको जॉब्स मिली हैं, कितने टाइम ड्यूरेशन उन्होंने वेट किया आफ्टर अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, किस प्रोफेशन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली, किस सीज़न में उन्होंने अप्लाई किया तो उनको जॉब मिली। एंड यू नो, ये सब डेटा जानने से आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो कि आप किस तरह से अपनी जॉब सर्च स्ट्रेटेजी को डिज़ाइन करें, यू नो, किस तरह आप उस पर वर्कआउट करें। आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दिस डेटा, बाद में मैं आप लोगों के साथ लेटर ऑन आई विल शेयर दैट स्ट्रेटेजीज विच आई फील के अच्छा ये इन्होंने किया तो उनको जॉब ऑफर्स मिली हैं, उनको जॉब्स मिल गई हैं, तो वो स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप उसको अंडरस्टैंड करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करें, अगर इफ़ यू वांट टू वर्क इन दुबई इन 2024। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बनता है कि किस बेसिस पे ये डेटा मैंने कलेक्ट किया है, हाउ लॉन्ग द जॉब सर्च टेक फॉर वन पर्सन टू गेट अ जॉब इन दुबई। सो जो मेरे क्लाइंट्स थे उन्होंने जब जॉब अप्लाई की, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अप्लाई किया, कितने टाइम के बाद उनको कोई कॉल आई या उनको कोई ईमेल आई कि हाँ आप अपना यू नो डॉक्यूमेंट दे दें या सीवी के या इंटरव्यू के लिए आ जाएं। दैट टाइम ड्यूरेशन वॉज फ्रॉम 10 डेज टू 25 डेज। 10 से 25 दिन के बीच का टाइम टेन्योर होता है जब आपको रिप्लाई आना शुरू होता है आपके जॉब अप्लाई करने के बाद। सो मेजॉरिटी जो मेरे क्लाइंट्स थे उनको 10 से 25 दिन का टाइम उनको लगा इंटरव्यू की कॉल लेने में। सो दिस ड्यूरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग कि आपको जो मैंने आपके साथ ये शेयर किया ना, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग दुबई आते हैं और इमीडिएटली दूसरे दिन मुझे ईमेल करते हैं कि मैम मैं तो दुबई में, मैं तो अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे तो कोई कॉल ही नहीं आ रही। सो व्हेन आई आस्क देम कि कितने दिन हुए हैं तो कहते हैं 2 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, हफ्ता हुआ है। सो हैव पेशेंस, इट टेक्स टाइम, ओके, इट्स लाइक अ जर्नी, इट्स नॉट वन डे थिंग। सो आप अप्लाई करें, भूलें नहीं उसको, लेकिन अप्लाई करें एंड देन गिव सम टाइम। तो एटलीस्ट 10 से 25 दिन का अपने माइंड में रखें कि जॉब अप्लाई करने के बाद आपको जो कॉल आएगी पहली, अगर आएगी, अगर आपका सीवी इस काबिल है, अगर आपको आपका जो यू नो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, वो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में पूरा उतर रहा है, तो आपको अगर कॉल आती है तो 10 से लेकर 25 दिन के बीच में आती है। उसके बाद अगर नहीं आती, इसका मतलब दिस इज़ द टाइम टू डू समथिंग अबाउट इट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी बेसिस पे मैंने डेटा जनरेट किया है कि कितनी एप्लीकेशंस अप्लाई की हैं तो उनको 1 या 2 या 3 इंटरव्यू की कॉल्स आई हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे जो क्लाइंट्स थे जिन्होंने जॉब जिनको मिल गई हैं, कुछ ने 4 से 5 में अप्लाई किया, पोस्ट डाली, जॉब पोस्ट पे उन्होंने अप्लाई किया, कुछ ने 10 से 12 पे अप्लाई किया। सो जो एक एवरेज बनता है ना, कम से कम 8 to 10 जॉब पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तब जाके आपको 1 या 2 इंटरव्यू की कॉल्स आती हैं। नाउ अगेन इट डिपेंड्स, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मेरा डेटा है जो मैंने कलेक्ट किया है, जो मैंने स्टडी किया अपने क्लाइंट्स के यू नो बैकग्राउंड पे, उनको किस तरह जॉब मिली। तो ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, आपका प्रोफेशनल लेवल क्या है नंबर 1, नंबर 2 आपका जो प्रोफेशन है वो कितना इन डिमांड है इस टाइम दुबई में, दैट ऑल्सो मैटर्स, रियली मैटर्स। और फिर उसके बाद आप किस तरह अप्लाई करते हैं, दैट रियली मैटर्स। आपकी जॉब सर्च स्ट्रेटजी क्या है, आप रियली किसी प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, आपने नेटवर्किंग किया है, आपने कंपनी की रिसर्च की है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि वैल्यू करते हैं, मैटर करते हैं जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस पे, कि आपको कितने एप्लीकेशन के बाद आपको कॉल आती है इंटरव्यू की। सो इतनी एप्लीकेशन आपने करनी ही करनी है, उसके बाद अगर आपको कॉल नहीं आती है, इसका मतलब है कि देर इज़ समथिंग फिशी, या तो किसी में गड़बड़ है, या आपका प्रोफेशन में कुछ गड़बड़ है, या आपका करियर लेवल ऐसा नहीं है जो कि रिक्वायर्ड है आपके प्रोफेशन में इस टाइम दुबई के अंदर। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ,
इसकी बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज़ कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा तो नहीं हो सकता कुछ भी दुबई में, तो बिना वजह आप डिसहार्ट ना हो, एटलीस्ट रिसर्च तो करें, एटलीस्ट कुछ ट्राई तो करें। और अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड यू नो रिसोर्सेज टू विजिट दुबई एंड अप्लाई फॉर जॉब। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई जनरेटेड वॉज, कितने जॉब इंटरव्यू देने के बाद जॉब की ऑफर मिली। नाउ द फर्स्ट स्टेप वॉज कि आपने कितनी दफ़ा अप्लाई किया तो आपको इंटरव्यू की कॉल आई, राइट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपने कितने इंटरव्यूज़ दिए और उसके बाद आपको उन्होंने फाइनलाइज किया। इसमें थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, क्योंकि इंटरव्यूज़ आप किस तरह देते हैं ये बहुत बड़ी एक यू नो बहुत इट्स आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि इंटरव्यू आप कैसे दे रहे हैं, लेकिन आप किस तरह देते हैं इंटरव्यू उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई दफ़ा बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं, बिल्कुल परफेक्टली फिट होते हैं उस जॉब डिस्क्रिप्शन पर, लेकिन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, सही से डिस्कस नहीं कर पाते हैं जो उनके अंदर कैपेबिलिटीज है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, कन्विंस नहीं कर पाते हैं, तो वो रह जाते हैं, उनको फिर जॉब नहीं मिलती। सो ऐसा नहीं है कि आप कैपेबल नहीं हैं, बिल्कुल हम सब कैपेबल हैं, हम सब में कोई ना कोई क्वालिटी है, तभी हम यू नो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, लेकिन आपने इंटरव्यू कैसे दिया है उस पर मैटर करता है। क्योंकि अगर किसी ने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, इट मीन्स दे नीड यू, राइट। आपने जो CV दी है उसके जो रिक्वायरमेंट है उस पर पूरा उतरती है, इसलिए आपको इंटरव्यू की कॉल आई, सबको इंटरव्यू में नहीं बुलाते। दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वॉक इन इंटरव्यू एंड ऑन कॉल इंटरव्यू ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन करें। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से होते हैं दुबई में, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक मैं दे दूँगी यहाँ आई कार्ड में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। इसके अलावा बहुत जल्द मैं एक इंटरव्यू के बेसिस पे एक पूरा वर्कशॉप बना रही हूँ, रिकॉर्डेड वेबिनार कह दें आप, वर्कशॉप कह लें, वन टाइम वॉच का है वो, 40 मिनट्स का होगा इंशाल्लाह। और वो एक एक्सपर्ट हैं जो कि दुबई में रिक्रूट करती रही हैं काफ़ी टाइम, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मुझे बना के दें कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ऐसी जो कि एक हायरिंग मैनेजर देखता है इंटरव्यू के टाइम पे, इंटरव्यू में क्या क्या होता है और वो सब। अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे DM कीजिए इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है रमजेशन ऑफिशियल। जैसे ही वो बनेगा यू नो आई विल अपडेट यू, आई विल ईमेल यू, और आपका वेट लिस्ट में होगा, तो सबसे पहले आपको इसका कॉल आएगा ताकि आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकें। एंड डोंट वरी, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, दैट विल बी वेरी नॉमिनल फॉर जॉब सीकर्स, ओके। सो एनीवे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप का इंटरव्यू अच्छा होता है, वो तो मुझे भी नहीं पता कि मेरा जो क्लाइंट है वो इंटरव्यू में क्या करके आया है, बिकॉज आई एम नॉट देयर। सो अकॉर्डिंग टू द डेटा, इंटरव्यू आपने कम से कम जो है ना, हो सकता है आपका एक इंटरव्यू में आपको भी जॉब ऑफर मिल जाए। सो मेरे क्लाइंट्स के हिसाब से मैंने ये देखा कि 2-3 में बड़े स्मार्ट थे, उनको पहले इंटरव्यू में ही उनको जॉब ऑफर मिल गई, उनको ज़्यादा इंटरव्यूज़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जो एक थ्रेशोल्ड बना एज़ पर द डेटा, रिसर्च डेटा, उसमें कम से कम 3 से 5 के बीच में इतने आपने इंटरव्यूज़ दिए, उसमें से आपको एक आध जॉब की ऑफ़र मिल जाती है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि इस तरह से आपने अपनी स्ट्रेटेजी करनी है डेवलप, कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो कोशिश करें कि अपने पूरी आपकी यू नो प्रिपरेशन हो, ताकि पहले इंटरव्यू में ही आपको जॉब ऑफर मिल जाए। सो दिस वाज द डेटा ऑफ माय क्लाइंट्स ऑन दीज क्राइटेरिया जो मैंने आपके साथ तभी शेयर किए क्वेश्चंस, उनकी बेसिस पर मैंने पूरा रिसर्च किया और ये डेटा मैंने आपके सामने रखा है। एंड द लास्ट क्वेश्चन जिसकी बेसिस पर मैंने ये डेटा जनरेट किया, वो ये था कि किस सीज़न में, किस टाइम ऑफ द ईयर में इन लोगों ने अप्लाई किया। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, द अदर डे ऑल्सो वन ऑफ माई क्लाइंट वॉज आस्किंग मी कि कौन सा सही टाइम है अप्लाई करने का दुबई में जॉब का। तो यू नो वॉट आई आंसर टू हिम कि दुबई ऐसी जगह है कि जहाँ पर रिसेशन में भी लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं, रमज़ान में भी लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा साल जॉब्स नहीं होती, होती हैं, कोई टाइम यू नो बुरा या अच्छा नहीं होता। हाँ ये है कि जो स्ट्रेंथ है ना वो, या जो हायरिंग की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, दैट फ्लक्चुएट्स। मीनिंग स्टार्ट ऑफ द ईयर जो कि अभी टाइम है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टिल रमज़ान स्टार्ट्स, उसके बाद ईद के बाद हायरिंग होती है, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर लोग हायरिंग नहीं करते, स्लो हायरिंग हो जाती है, होती है स्लो हायरिंग हो जाती है, डिपेंड करता है आपके यू नो प्रोफेशन पे, करियर पे एंड ऑल। तो पूरा साल हायरिंग होती है, लेकिन द बेस्ट टाइम इज़ द स्टार्ट ऑफ द ईयर when you are watching this video, and then after Eid and after summer vacations like July, August, September, October, November,
क्योंकि फिर दिसंबर में स्लो हो जाता है। तो ये कुछ टाइम ऑफ द ईयर है जिसमें हायरिंग होती है। नाउ मेरे क्लाइंट्स जिनका डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उन लोगों ने ज़्यादातर 75% जो मैं आपसे कह रही हूँ कि जिनको जॉब्स मिली हैं, उनमें से 50% ने जॉब्स अप्लाई की थी एट दिस टाइम, जनवरी फरवरी मार्च, इनमें उन्होंने अप्लाई किया और इसी में उनको जॉब मिली हैं, एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम। एंड बाकी जितने भी थे उन्होंने ईद के बाद से लेके मींस अप्रैल मई इन दिस सीज़न एंड आफ्टर जुलाई, क्योंकि जून जुलाई में भी ज़रा स्लो हो जाता है, लोग वेकेशंस पे जा रहे होते हैं, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, दे गो फॉर वेकेशंस एंड ऑल, एंड बच्चे भी चले जाते हैं, तो फैमिलीज़ भी यू नो इधर उधर होती हैं, जिसकी वजह से कंपनीज के ओनर्स भी अवेलेबल नहीं होते, तो वो हायरिंग नहीं होती है, स्लो हो जाती है। तो द बेस्ट टाइम इज़ स्टार्ट ऑफ द ईयर, सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट दुबई, जस्ट यू नो प्लान नाउ, और आफ्टर ईद यू कैन अप्लाई, और आफ्टर जुलाई यू कैन अप्लाई। सो दैट इज़ द एरिया वेयर यू कैन इंक्रीज़ योर चांसेज ऑफ हायरिंग, यू नो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसके बेसिस पे मैंने अपना डाटा जनरेट किया है। आप लोगों को हेल्प हो गई होगी इससे कि 2023 में मेरे 75% क्लाइंट्स को जॉब मिली है, इन क्राइटेरियाज पे किस किस तरह से उनको जॉब मिली है, अब कौन सी स्ट्रेटेजीज उन्होंने अप्लाई की हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो पेपर और पेन उठाइए एंड नोट इट डाउन। सो द फर्स्ट स्ट्रेटेजी इज़ अंडरस्टैंड द टाइम लाइन। सो वैन यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब यू हैव अप्लाइड, और फिर जो टाइमलाइन जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया है उस टाइमलाइन को फोकस कीजिए। अगर उस टाइमलाइन में काम नहीं हो रहा है तो अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से डेवलप कीजिए कि इसको चेंज करें, इम्प्रूव करें। मतलब ये हुआ कि आपको कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है अपनी सीवी में, या जिस तरह से आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें, या जो आपकी नेटवर्किंग का प्रोसेस है उसमें। तो इस तरह की अगर आप स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं कि जब आपका टाइमलाइन है, अगर आपको 3 से 4 दिन तक कॉल नहीं आती है, 10 दिन तक कॉल नहीं आती है, सो इट्स फाइन, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आप उस पर वर्किंग करना शुरू करें 25 दिन के बाद कि अब तक आपको कोई कॉल नहीं आई है, आपने इतना अप्लाई किया है, तो अब आपको अपनी स्ट्रेटजी को, अपने जो तरीकाकार है काम करने का, अप्लाई करने का जॉब पोस्टिंग पे, उसको थोड़ा सा रिवाइज करें, चेंज करें। द नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज़ टेक एडवांटेज ऑफ द टाइम, मीनिंग जो टाइम है ना अप्लाई करने का उसको यूटिलाइज़ करें, बिला वजह अपने पैसे और रिसोर्सेज बर्बाद ना करें दुबई आके रमज़ान में, खामखामे जून जुलाई में आने की ज़रूरत नहीं है। चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं ना अपने, जब मैंने आपके साथ इतना डाटा शेयर कर लिया है तो आप इस चीज़ को यूटिलाइज़ करें और अपने हायरिंग के चांसेस को बढ़ाएं। तो इस तरह से अपनी आउटलाइन करें अपने जॉब एप्लीकेशन जो भी आपका तरीकाकार है उसको, कि या तो ये टाइम है जनवरी फरवरी मार्च, या फिर अप्रैल मई, या फिर जुलाई से अगस्त सितंबर अक्टूबर, इस तरह से, नॉट इन दिसंबर, स्पेशली मिड ऑफ दिसंबर के बाद से सब चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं क्योंकि वेकेशन स्टार्ट हो जाती है और यू नो न्यू ईयर वगैरह होता है। तो इस चीज़ को यूटिलाइज़ करें और स्मार्टली मूव करें। देन नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज़ इंक्रीज़ योर रिसर्च बट अप्लाई स्ट्रेटजिकली। एंड किस तरह से आप स्ट्रेटजिकली अप्लाई कर सकते हैं उसके कुछ पॉइंटर्स हैं। 1, मेक श्योर करें कि आपके स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस आपके अलाइन हो। 2, अपनी कंपनी जहाँ पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, या बहुत सारी कंपनी जहाँ पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करें, अंडरस्टैंड करें कंपनी का कल्चर क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या है। फिर उसके बाद अपने रिज्यूम और अपनी एप्लीकेशन कवर लेटर, इनको कस्टमाइज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका जो कवर लेटर है उस पर थोड़ा सा वर्किंग करें। अगर आपको पता नहीं कवर लेटर कैसे लिखना है, क्या होता है क्या नहीं, मैंने कंप्लीट वीडियोज़ की बनाई है उसकी डूज एंड डोंट्स पे, उसको देख लीजिए, लिंक माय कार्ड में भी दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैंने नहीं लिख रहा कवर लेटर, मुझे नहीं आता कवर लेटर लिखना, देन डोंट वरी, आई एम देयर, यू कैन ईमेल मी ऑन iramzeeshanmemon@gmail.com, और इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हैं iramzeeshanofficial पे, और आप मेरी वेबसाइट पे पेड सर्विसेज देख सकते हैं www.iramzeeshan.com पे।